हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास हिंदी मीडियम में चैप्टर सेकंड का रिवीजन चल रहा था बहुपद, और उसमें एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन मेथड। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। कि कोई भी अगर आपके पास में दो बहुपद हैं तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे हम विभाजित करेंगे, इसको हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर सपोज करो आपको एक बहुपद दे रखा है Px, इस Px को मैं डिवाइड कर रहा हूँ Gx से। इससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई Gx से, तो Gx से डिवाइड करूंगा तो जो भागफल आएगा वो है सपोज करो Qx, और जो रिमाइंडर आएगा वो है Rx। तो ये क्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं यानी कि भाज्य है, और ये क्या है जिसका भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक, और ये है आपका भागफल, और ये क्या है शेषफल। एक बार पुनः समझिए कि Px कोई ऐसा बहुपद है जिसमें उसकी डिग्री आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, रैखिक भी हो सकती है। तो ये किसी भी प्रकार का आपका एक बहुपद है। इस बहुपद में इस Gx बहुपद का जब हम भाग देंगे तो भागफल Qx आएगा और शेषफल Rx आएगा। तो इनमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और वो क्या है कि ये भाज्य है, ये भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल को एड करने पर ये रिलेशन आपका इक्वल हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए, हम इसमें कोई एग्जाम्पल लेकर के और इसको वेरीफाई करेंगे कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें दे रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, इसमें ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज है 2.3। तो Px आपको गिवन है x³ - 3x² + 5x - 3। इसको किससे डिवाइड करना है आपको Gx से, और Gx क्या दिया हुआ है x² - 2। देखिए, तो ये आपका Px और Gx कोई भी दो बहुपद हैं और इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। Px को इस Gx से डिवाइड करना है। तो देखिए, यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो x² - 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको x³ - 3x² + 5x - 3। डिवाइड करने पर भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, ये जो विभाजन वाली प्रक्रिया है इसको कैसे करते हैं हम, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये भाज्य है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये भाजक है। तो भागफल का प्रथम पद लाने के लिए इस x³
यानी कि भाज्य का जो प्रथम पद है उसको इस भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको भागफल का प्रथम पद चाहिए तो भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो ये विशेष का ध्यान दे, ये नहीं कि प्रथम पद माइनस टू को मैं आगे कर दूं तब भाग दे। इसमें वेरिएबल की जो घाते हैं वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर x की 1 पावर है, फिर 0 पावर है। ऐसे इस सीक्वेंस में घाते हों तब आप इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से भाग दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमारा देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0, यानी कि घटते हुए क्रम में आ रही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इस बहुपद को रखना है। तो अब x क्यूब को कितने से डिवाइड करेंगे हम, x स्क्वायर से। x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए x स्क्वायर, x की घात 2 नीचे है, ऊपर 3 घात है, तो 2 घात कॉमन हो गई तो वो दोनों तो कट जाएंगी और कितना बचेगा, x की घात 1 बचेगा। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया, x बार। या ऐसे याद रख सकते हो, इसमें एक्सपोनेंट रूट लगा सकते हो, घातांक का नियम, कि जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि x x बेस सेम है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो x की पावर 1 बच जाएगा। अब ये जो x आया है, इस x को इस भाजक से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस x को इस x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब। x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, फिर x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2x इसके नीचे आएगा। क्यूब वाली संख्या क्यूब वाली संख्या के नीचे आएगी और एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के नीचे आएगी, कॉन्स्टेंट वाली कॉन्स्टेंट के नीचे आएगी। अब क्या करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पर ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x तो कितने हो गए 7x। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये स्क्वायर वाली संख्या बची हुई है तो इसको राइट डाउन कर लेंगे माइनस 3x स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका 7x और माइनस का 3। अब हमारे पास ये न्यू डिविडेंड फिर आ गया। अब अगेन क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस 3 आएगा। अब इस माइनस 3 को अगेन इस भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब फिर साइन चेंज कर देंगे इसका, तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया कितना 7x और माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9। तो ये हमारा क्या आ गया, शेष पद, और ये क्या आ गया हमारा भाग पद। तो ये भाग पद और ये शेष पद। अब हमारी जो विभाजन एल्गोरिथम वाला प्रोसेस में जो मैंने दिखाया था आपको, विभाजन एल्गोरिथम स्टार्टिंग में विभाज्य बराबर भाजक गुणा भाग पद प्लस शेष पद। तो अगर इसमें हम भाज्य के स्थान पर ये रखें, भाजक के स्थान पर ये रखें, भागफल के स्थान पर ये और शेषफल के स्थान पर ये रखें और इसको सॉल्व करें तो ये दोनों साइड हमारी कैसी आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। तो ये हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है वो भी क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। वैसे आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसको मतलब कि वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इसमें इतना ही पूछा है भागफल और शेषफल क्या है। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ ले कि विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए तो आपको भाज्य के स्थान पर ये वाला बहुपद रखेंगे, भाजक के स्थान पर x स्क्वायर माइनस 2, शेषफल के स्थान पर 7x माइनस 9 और भागफल के स्थान पर x माइनस 3 और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो क्या आंसर है इसका भाई,
भागफल इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और शेषफल इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस नाइन। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है और इसमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, और इसमें आपको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर आपको दो बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद है टी स्क्वायर माइनस थ्री और दूसरा बहुपद है टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस का ट्वेल्व। तो ये आपके दो बहुपद हैं और इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आप जांच करके बताइए कि ये जो पहला बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि टी स्क्वायर माइनस थ्री इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। अब एक चीज आप जानते हैं, अगर टी स्क्वायर माइनस थ्री इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो अगर मैं इसका इस वाले बहुपद में भाग दूं, पहले वाले का दूसरे वाले में भाग दूं, तो शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर शेषफल हमारा जीरो आ जाता है तो ये टी स्क्वायर माइनस थ्री जो कि पहला बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई टू है सिक्स का एक गुणनखंड है, अब बताइए आप ये कैसे बताएंगे। अगर मैं इसी में कहूं कि क्या टू सिक्स का एक गुणनखंड है, तो अगर आप टू का इस सिक्स में भाग दें, टू का इस सिक्स में क्या दें भाग दें, तो टू थ्री या सिक्स, तो रिमाइंडर कितना आएगा जीरो। तो ये रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टू है जो सिक्स का एक गुणनखंड है, यानी कि पहला वाला जो बहुपद है टू ये दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा, यदि इस पहले वाले बहुपद का भाग दूसरे वाले में दे और शेषफल क्या आ जाए जीरो आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे कर देता हूं कि भाई सपोज करो यहां पर एक संख्या है फाइव, और मैं आपसे कहूंगी क्या फाइव सिक्स का एक गुणनखंड है, तो सिक्स में अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इट मीन्स फाइव सिक्स का एक गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है, तो मैं इसका एक पार्ट करके बता देता हूँ। पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर सभी क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपको इस डिवीजन मेथड का ही यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए तो टी स्क्वायर माइनस थ्री जो कि हमारा प्रथम बहुपद है और ये वाला जो कि दूसरा बहुपद है, तो दूसरे बहुपद को मैं प्रथम बहुपद से भाग दे रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे यदि पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस थ्री दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो पहले बहुपद का दूसरे में भाग देने पर शेष पर शून्य आना चाहिए।
क्लियर है भाई। यदि पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस थ्री दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है तो पहले बहुपद का दूसरे में भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए भाई डिवीजन करके देख लेते हैं इधर, तो यहाँ पे साइड में कर रहा हूं मैं टी स्क्वायर माइनस थ्री इससे डिवाइड करते हैं टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस के नाइन टी माइनस का स्क्वायर। देखिए भाई डिवाइड करेंगे तो टी सारे जो भी इसके अंदर टर्म्स है वो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, टी की पावर फोर फिर क्यू है फिर टू है वन है जीरो है और इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो 2t की पावर 4 को जब t स्क्वायर से डिवाइड करोगे 2t की पावर 4 को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए t स्क्वायर दोनों में कॉमन है वो तो कट जाएगा, या घातांक नियम का यूज करो तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे तो ये 2 तो आपका सेम रहेगा 4 पावर में से 2 माइनस हो जाएंगे तो t की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। तो भाग कितनी बार हो गया भाई 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर बार आपका भाग गया। अब इस 2t स्क्वायर से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4 फिर इसको माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 2 3 जा 6t स्क्वायर माइनस के 6t स्क्वायर अब सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और इधर 3t क्यूब है इसको नीचे राइट डाउन कर देंगे इधर देखिए माइनस ये माइनस का 2t स्क्वायर और ये प्लस का 6t स्क्वायर तो प्लस का 4 बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा इधर माइनस के 9t और माइनस का 12 बचेगा। अब अगेन ये आपका क्या आ गया न्यू डिविडेंड आ गया न्यू यानी कि नया भाज्य आ गया। फिर वही तरीका इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3t आएगा तो भाग कितनी बार जाएगा भाई 3t और 3t से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t को t स्क्वायर से करेंगे तो 3t क्यूब बन जाएगा और 3t को माइनस 3 से करेंगे तो 9t और 9t यहाँ पे आएगा 9t। अब देखेंगे इसको साइन चेंज कर देंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग उसको इधर लिख देता हूँ भाई इधर रिमेनिंग बचेगा यहाँ तो बच गया 4t स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया माइनस का 12 ये आपका फिर क्या आ गया नया भाज्य आ गया यहाँ आपका 4t स्क्वायर बच गया इधर माइनस का 12 बचा तो ये आपका नया भाज्य आ गया जिसको मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया 4t स्क्वायर माइनस 12। फिर इसके फर्स्ट टर्म को फिर इससे t स्क्वायर से डिवाइड करना है तो 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से तो t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार तो भाग आपका जाएगा 4 बार और इस 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस का 12 माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे तो ये 0 तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब जो ये पहला बहुपद है t स्क्वायर माइनस 3 इस दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है कितने याद है यहां तक तो इस चीज को लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है एक गुणनखंड
प्रथम बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है, दूसरे का मतलब दूसरा जो बहुपद है उसका ये क्या है, बहुपद। तो इसी प्रकार से जो इसके ये आगे के सभी के अंदर डिवीजन मेथड का यूज हो रहा है, सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर बता रखे हैं, पहले वाली जो वीडियोज हैं उनके अंदर, तो आप इनको ट्राई करें। और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा हो तो आप पूछिए। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर सेकंड का रिवीजन है जो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ तक का जो भी प्रैक्टिस वर्क है इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।